नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। नागरिकता कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। गनीमत इतनी है कि जो हिंसा की आग लगातार पिछले दिनों देखने को मिली थी वो शांत होती हुई दिखाई दे रही है, और इसके पीछे की बड़ी वजह है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कड़ा एक्शन। और इस एक्शन की राह पर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी दिख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने हिंसा करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उन्हें ही इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, जिसके बाद से उपद्रवियों के होश उड़ हुए हैं। हिंसा की बात तो छोड़िए, अब वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मुल्ला मौलवी और नेता का सहारा लेकर सरकार के आगे रहम की भीख मांग रहे हैं। तो इस कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की कई ऐसी वीडियो भी सामने आई जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया है। ऐसा ही एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रिट्वीट करते हुए कुछ ऐसा लिख दिया कि जिसने बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल शशि थरूर ने उस वीडियो को शेयर किया है जिसमें सीए के खिलाफ कुछ प्रदर्शनकारी ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा रहे हैं। इस वीडियो को शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हिंदू चरमपंथ के खिलाफ हमारी लड़ाई से इस्लामिस्ट चरमपंथियों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ आवाज उठाकर हम समावेशी भारत को बचाना चाहते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हम लोग किसी भी तरह धार्मिक कट्टरता के द्वारा बहुवाद और विविधता को दबाने नहीं देंगे। शशि थरूर के इस ट्वीट पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर भड़ास निकाली है। थरूर के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए एक मुस्लिम यूजर ने लिखा कि तुम इस प्रदर्शन को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हो, इसकी आपको अनुमति नहीं है। ये अकेले आपके लिए नहीं, इस मुद्दे से 120 करोड़ हिंदुस्तानी भी जुड़े हुए हैं। एक और यूजर ने लिखा कि चाचा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई भी भगवान नहीं है। ये हमारा विश्वास है, ईमान है, ये हमारी पहचान है और इसके लिए हमें गर्व है। इसका मतलब अतिवाद या बहुलवाद नहीं है। इसके अलावा एक और यूजर ने रिट्वीट करते हुए एक फोटो शेयर की है जिसमें लिखा है कि थरूर चरमपंथ का अभ्यास कर रहे हैं या मुझे इस तराजू पर अतिवाद करना चाहिए। तो भाई, एक हिंदू यूजर ने लिखा है कि शायद ये भविष्य में कहा जाएगा कि थरूर जी आदमी तो अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा है कि देर आए दुरुस्त आए, अपने पर आई तो ब्रह्म ज्ञान उपजा है। यही बात हिंदू वर्षों से चिल्ला रहा था और बोल रहे थे, समझ में नहीं आया, एक बार मुस्लिमों के मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह क्या सुन लिए, हेकड़ी ठिकाने आ गई। हालांकि लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया के बाद थरूर ने सफाई भी दी। उन्होंने लिखा कि यह बयान किसी धर्म को लेकर नहीं है, लेकिन यह बात पूरी तरह से संविधान को लेकर है। खैर, थरूर ने अब जो सफाई दी है वो इस बात की ओर इशारा जरूर कर रही है कि अगर कांग्रेस में रहना है तो इन सब चीजों से बचना होगा और सेकुलर की राजनीति पर काम करना होगा। शशि थरूर को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।